हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो हमारा पहले चैनल का नाम था, वो चेंज हो गया है और इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया। सो डोंट बी कंफ्यूज, उसी तरीके से वीडियो आएंगी, उसी तरीके से सब कुछ होगा, बल्कि और परफेक्ट वे से आपको वीडियोज मिलेंगी। तो अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर आज की मार्केट से रिलेटेड, देखिए आज की मार्केट में गिरावट ज़्यादा थी, और अगर बात की जाए उसके पीछे का रीज़न क्या है तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, क्या टारगेट है निफ्टी के उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए, जब ये मार्केट गिरती है तो सबके मन में आता है, क्या सब कुछ बेच के निकल जाए और फिर नीचे आएगा तो नीचे के लेवल से खरीदेंगे। तो इन सभी चीज़ें के हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, ओके। और आपको बताएंगे कि निफ्टी में एक्चुअली आपको क्या करना है, इन्वेस्टर्स है तो आपको क्या करना है, ट्रेडर्स है तो आपको क्या करना है, एक आपको व्यू देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्ट करें, ताकि वो भी मार्केट से रिलेटेड बहुत कुछ सीख सके। और यहाँ पर अगर देखें कल की डेट में, यहाँ पर तीन वीडियो आई थी रिजल्ट से रिलेटेड, यहाँ पर तीन स्टॉक से रिलेटेड, और बात करें टी टी के हेल्थ केयर, और यहाँ पर मैंने ये इन वीडियो में बता भी दिया था, थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आके फिर एक कर्व बनाएगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पैदा करेगा, तो इन वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी, अगर बात करें निफ्टी ऑलमोस्ट टॉप पे चला गया था आज के दिन भी, ओके। और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, अगर बात करें यहां से इसके टॉप से लेके, तो लगभग 1.5% की यहां पर गिरावट हुई। और इस गिरावट के बाद यहां पर अगर बात करें लगभग 0.4% की यहाँ पर जंप भी देखी गई। तो अगर हम कुछ पैरामीटर जो देखते हैं, ओके, तो ऐसा क्या था कि क्या हो गया कि मार्केट गिर गई और क्या करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट गिर गई उससे पहली बात तो डरना ही नहीं है, ओके। मार्केट अगर हम एक महीने से देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 14 मई से जब ये मार्केट आई थी यहाँ पर, इसके बाद एक जो रैली इसने बनाई है लगभग 7.2% तक का यहाँ पर गेन दिया है, और अभी भी बात करें तो 6.5% का गेन दिया है। और यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट, अगर 1% भी मार्केट अगर गिर गई है तो कुछ ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और 1% भी नहीं गई है, 0.6% मार्केट गिरी है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, हमने पिछले अगर बात करें 13-14 दिन में अच्छा खासा पैसा सबने कमाया है, ओके। जो इन्वेस्टर उन्होंने भी कमाया है, जो ट्रेडर है उन्होंने भी कमाया है, और अगर थोड़ा बहुत हमें देना भी पड़ता है तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, और उसमें घबराने वाली बात भी नहीं है, ओके। तो आपको करना क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करते हैं, बट यहाँ पर जान लेते हैं कुछ मार्केट के दस्तूर। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर DIS का अगर बात करें, इस पूरे महीने में यहाँ पर बेचते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर अगर देखिए तो DIS ने ही यहाँ पर माल बेचा है, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। और अगर बात करें यहाँ पर माल किसने उठाया है, यहाँ पर दोबारा निफ्टी जो ऊपर थोड़ी बहुत जाती हुई दिखाई दी है 0.4% की, तो वो किसकी वजह से है, वो केवल और केवल FIIs की वजह से। और जब तक FIIs खरीदते रहेंगे ना, क्योंकि पिछले 2 महीने की बात करें, अप्रैल और मई, तो उन्होंने बहुत बिकवाली करी है, इसी वजह से अगर हम बात करें 6 महीने की, तो एक कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा था ना, गिरना फिर ऊपर उठना फिर गिरना फिर ऊपर उठना, तो जो 14200 के आसपास से लेके अगर बात करें 15000 तक, ओके, ये एक दायरा बना हुआ था मार्केट का, मार्केट मतलब इस लेवल से उठी नहीं रही थी 2 महीने। बट एक साथ ही यहाँ पर मार्केट को जो यहाँ पर जंप लिया है, उसके पीछे का रीजन जो है ना, उसके पीछे का रीजन है FIIs, जो FIIs ने यहाँ पर खरीदारी करी है ना जिस तरीके से, तो वही एक रीजन है। और एक रीजन था कोविड, तो देखिए कोविड का तो कोई रीजन नहीं है, अगर हम बात करें कोविड के केसेस तो लगातार कम हुए, वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर अच्छी खासी चालू है। और बात करें यहाँ पर कुछ डेटा की, तो देखिए कल की डेट की भी अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FIIs का डाटा, तो FIIs का जो डेटा है वो 1422 करोड़ रुपीज का यहाँ पर इन्होंने खरीदारी करी है। DIIs की बात करें तो DIIs ने 1626 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्होंने बिकवाली करी है। और ऐसा ही डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ अगर पूरे जून मंथ का, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पर ओवरऑल FIIs ने यहाँ पर 4286.06 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खरीदारी करी है। और जब तक यहाँ पर ये खरीदारी है ना, यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तब तक आप समझिए कि मार्केट में मार्केट देखिए कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है, थोड़ी बहुत गिर सकती है, बट मार्केट को अभी ऊपर ही जाना है, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि जब FIIs ने यहाँ पर पिछले अगर हम एक साल की बात करें, जब FIIs ने खरीदा तब तक मार्केट ने एक लेवल बनाया, और जब FIIs ने बेचा है तब एक लेवल नीचे की तरफ या फिर कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रही है। और यहाँ बात करें DIIs के, और DIIs ने यहाँ पर 16,224.74 मतलब 16,224 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने बिकवाली करी है।
अगर कुछ डेटा मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर मंथली बेसिस पे, ये तो जून जून मंथ का यहाँ पर डेटा था जो कि पिछले 6 दिन का डेटा आपके पास है, और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो देखिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर खरीदारी FIIs ने करी होगी, क्योंकि लास्ट में जो भागता हुआ मार्केट दिखाई दिया है वो इन्हीं की वजह से है, बाकी यहाँ पर गिरावट है वो आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ और डेटा की जो कि आपके सामने है, यहाँ पर देखिए मई में यहाँ पर अगर बात करें FIIs ने अच्छा खासा बेचा था, और DIIs का डेटा देखे तो उन्होंने जो ये बेचते थे ये खरीदते थे, तो इस वजह से एक एवरेज दौर में यहाँ पर चलता रहता था। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी एक एवरेज, अगर 2 महीने की बात करें, इन्होंने यहाँ पर बेचा था, यहाँ पर इन्होंने खरीदा था, तो एक एवरेज बना हुआ था, और एक इसी वजह से कंसोलिडेशन फेज था। बट जैसे ही अगर बात करें जून मंथ की, तो इन्होंने FIIs ने खरीदना शुरू किया और DIIs ने थोड़ा सा बेचना शुरू किया, तो यहाँ पर मार्केट देखिए एक साथ ही 7% ऊपर चली गई। इसके अलावा अगर हम पिछला और भी डेटा देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2021 में यहाँ पर इन्होंने खरीदारी करी तो मार्केट ऊपर गई, फेब में खरीदारी करी और ऊपर गई, जून में यहाँ पर खरीदारी करी तो ऊपर गई, दिसंबर में खरीदारी करी तो ऊपर गई, और मुझे क्या लगता है कि इस महीने जब जब सब कुछ अनलॉकिंग होने वाली है और अनलॉकिंग हो गई है एक्चुअली, तो यहाँ पर FIIs यहाँ पर और खरीदारी करने वाले हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको निकलने की जरूरत नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि हम अभी निकल जाए फिर हम खरीदेंगे नीचे आएगा, तो आपको क्या, आपको एक लेवल पता है कि ये इस मार्केट इतने लेवल तक आएगी, तो आपको नहीं पता, एक हम अंदाजा लगा सकते हैं डूरी चार्ट पैटर्न को पढ़ के कि हाँ इधर तक मार्केट जा सकती है, बट उधर तक जाएगी या फिर वहीं से रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी, यहीं से रिवर्स होकर कल की डेट में ऊपर चली जाएगी, आपको पता है नहीं पता, तो मार्केट के बारे में ऐसा किसी को नहीं पता, ये आपको पता ही है। तो मुझे क्या लगता है कि आपको अच्छे शेयरों में बने रहना है, और जो मार्केट की रैली का जो आनंद है ना वो उठाते रहना है, क्योंकि आने वाले 30-10 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है, और जो ये टारगेट दे रहे हैं ना बड़े बड़े लोग, अगर रामदेव अग्रवाल साहब की बात करें, उन्होंने निफ्टी का टारगेट 2 लाख रुपीज़ के आसपास, सॉरी सेंसेक्स का टारगेट 2 लाख दे रखा है, एज वेल एज अगर बात करें निफ्टी का टारगेट भी इसी तरीके से 20,000 तक दे रखा है, तो ये कोई हवा में बातें नहीं है, कैलकुलेशन के ऊपर ही यहाँ पर बातें करते हैं। बात करें यहाँ पर गिरावट की, तो देखिए अच्छे अच्छे जब भारी भारी शेयर जो मार्केट में वेट रखते हैं, एयरलाइंस जैसे, बजाज फाइनेंस जैसे, जब ये शेयर ये सारे गिरे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो शेयर ये मार्केट को गिरना ही था। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की गई थी थोड़ी सी, DIIs ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, मेरे को डेफिनेटली इसी तरीके से पता चल रहा है क्योंकि ये डेटा बोल रहा है, इसी तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि DIIs ने यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली करी है, और लास्ट में FIIs ने यहाँ पर खरीदारी करी है। इसके अलावा कुछ चार्ट पैटर्न की बात करें तो आपके सामने ये निफ्टी 50 का यहाँ पर चार्ट पैटर्न है, और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए एक अगर यहाँ पर कुछ डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है, पहले तो टारगेट की बात कर लेते हैं कि निफ्टी का टारगेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसने 2 बार यहाँ पर रुका है ये शेयर यहाँ पर, तो एक कप विद हैंडल पैटर्न की बात करें तो ऐसा ऐसा बनता हुआ हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर देखते हैं तो उसी के बीच पे यहाँ पर एक कप और यहाँ पर एक हैंडल इस तरीके से मतलब बनते हुए नजर आया, तो यहाँ पर भागता हुआ ये शेयर भी नजर आया, और अगर देखते हैं कि ये कितना ऊपर जा सकता है तो निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जा सकती है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर देखते हैं ये सॉरी एक मिनट, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अभी भी अच्छा खासा यहाँ पर गेन मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। ओके, 5% तक ऊपर मार्केट और ऊपर जा सकती है और जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर FIIs खरीदने में लग रहे हैं, यहाँ पर देखिए 16,000 को यहाँ पर क्रॉस करते हुए साफ दिखा रहा है कि 16,000 को ये टच करेगी, और यहाँ पर जो अभी लेवल आ रहे हैं अगर कुछ बात की जाए कि जैसे काफी लोग बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, देखिए एक तो ये 15,600 का यहाँ पर लेवल है ही जो यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर एक पाइवट्स पॉइंट्स इसके जो बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और नीचे अगर मार्केट आई तो कहाँ पर आएगी, तो ये लेवल देखिए यहाँ पर एक बार इसने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और एक बार यहाँ पर दोबारा रेजिस्टेंस लिया, एक बार इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बार बार दो तीन एक बार नहीं तीन बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इस रेजिस्टेंस अगर ले रहा है तो यहाँ पर इसे इस रेजिस्टेंस को तोड़ना ना बड़ी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है इन रेजिस्टेंस को तोड़ना, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मतलब 15,300 का लेवल आप पकड़ के चलिए कि इस रेजिस्टेंस
इसको पे शायद मार्केट नीचे आ सकती है और फिर उसके बाद दोबारा जंप कर सकती है। और जिस तरीके से एफआईज यहाँ पर खरीदने में लग रहे हैं और आज के दिन भी यहाँ पर लास्ट लास्ट टाइम में यहाँ पर 2:45 के लगभग यहाँ पर खरीदते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, तो ये मार्केट को ऊपर ही जाना है। एक दो दिन की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ओके कल एक्सपायरी है तो कल दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट इसके बाद मार्केट फिर शायद नेक्स्ट वीक से या फिर फ्राइडे से यहाँ पर दोबारा और कल की डेट में ही शायद मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो अपने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वो उस पर बने रहिए और बेच के निकल जाएंगे और फिर एक लेवल पर आएंगे खरीदेंगे। तो जो यहाँ पर पिछले एक महीने पहले भी देख रहे थे जब कोविड के केसेस ज्यादा थे तब भी वो कह रहे थे कि हम 13,000 का लेवल आएगा तो हम खरीदेंगे, तो ऐसे लेवल नहीं आने वाले। और तब जब मार्केट बिलीव इन इंडिया, क्या काफी लोगों ने कहा है बिलीव इन इंडिया, जैसे वॉरेन बफे ने अपने देश के लिए कहा था कि अमेरिका पे विश्वास करो, ऐसी इंडिया में भी लोगों ने कहा है कि इंडिया पे विश्वास करो, तो इंडिया पे विश्वास करो टू बी वेरी फ्रैंक और ये ऊपर जाने वाला है। तो ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स आपको पता ही है, ट्रेडर्स डेली वाइज में यहाँ पर बुकिंग करते ही है, हम ऑप्शन फ्यूचर करते नहीं है, हम करते पोजिशनल ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग में जो अगर हमारे शेयर कल की डेट में जैसे बताया था वो नहीं भागे कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बल्कि गिर रहे एक अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप्स करके, और जब उस लेवल को क्रॉस करेंगे जो चार्ट पैटर्न और नीचे जाने पर और बेहतरीन चार्ट पैटर्न और बेहतरीन वहाँ पर लंबे और मिलने की कोशिश चांसेस रहते हैं, तो इस चीज को याद रखिए। और इसी तरीके के आगे वीडियो आने वाली है जिनसे रिलेटेड मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड बातें करूंगा और आपको बताऊंगा इन स्टॉक्स पे नजर रखिए और वो स्टॉक बहुत बेहतरीन लेवल पर आने वाले हैं और कुछ आ भी गए हैं तो वहां से वो रिवर्स होने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए उन शेयर की तरफ भी, वीडियो को आगे देखते रहिए। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।